यमुनानगर में तेज रफ्तार ओवरलोड वाहन आए दिन सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं, जिसे लेकर आरटीए विभाग एक्शन मोड में आ गया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नवंबर महीने में विभाग ने 300 ओवरलोड वाहनों के चालान किए, तो वहीं करीब 1,72,00,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। वहीं मोटर व्हीकल ऑफिसर सुरेंद्र रेहड़ू ने बताया कि ओवरलोड वाहनों पर आरटीए विभाग की पैनी नजर है और कोई भी ओवरलोड वाहन बिना विभाग की जानकारी के यमुनानगर से क्रॉस नहीं हो सकता। आरटीए की दो टीमें 12 घंटे की दो शिफ्ट में लगातार ओवरलोड वाहनों पर नजर रख रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 1,20,00,000 रुपए तक के चालान किए गए थे। वहीं नवंबर महीने में विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए यह आंकड़ा भी पार कर लिया और ओवरलोड वाहनों के 2.25 करोड़ के चालान किए। आरटीए विभाग तकरीबन लगातार ओवरलोड वाहनों के 24 घंटे दो टीमें लगाकर मुस्तैदी से इनके चालानों के चालान किए जा रहे हैं। इस ओवरलोड के ऊपर तकरीबन लगाम लग चुकी है और पिछले 3-4 महीने से, इस महीने तो जो हमारी चालान की कंपोजिशन है वो पिछले 4-5 महीने से सबसे ज़्यादा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारी कंपोजिशन 1,25,40,00,000 से ज़्यादा नहीं गई थी। इस चीज़ को और ज़्यादा सख्ताई से लागू किया गया और जिस हिसाब से 24 घंटे हमारी टीम रोड पे रहती है, इस महीने अब तक तकरीबन 300 के करीब चालान किए गए हैं ओवरलोड वाहनों के और उनसे 1,70,72,00,000 रुपये कंपोजिशन सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई है। और इसी तरह से टाइम टू टाइम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारे कार्यालय के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। अब फॉग सीज़न जैसे अब शुरू हो चुका है, ट्रैक्टर ट्रालियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं हम। इस चलानिंग के कार्य के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हमारे कार्यालय के द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है। जैसे हर बुधवार को कमर्शियल वाहनों की पासिंग की जाती है, आरटीए मैडम के द्वारा पासिंग पे बिल्कुल सख्ताई से रिफ्लेक्टर टेप और रिफ्लेक्टर जो हैं उनको प्रॉपर आगे पीछे साइड में इंस्टॉल करवाया जाता है। स्लोगन लिखवाए जाते हैं। जिस गाड़ी पे प्रॉपर अच्छे बड़े बड़े रिफ्लेक्टर नहीं हैं उन वाहनों को बिल्कुल सचिव आरटीए के द्वारा पास नहीं किया। उन्होंने वाहन चालकों से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग का सहयोग करें और ओवरलोड गाड़ी ना चलाएं। वहीं उन्होंने बताया कि आरटीए विभाग आगे फॉग सीजन में ओवरलोड वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भी रिफ्लेक्टर टेप और अन्य तरीकों से लगातार प्रयास जारी रखेगा। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।